Good morning, dear friends. Once again, warmly welcome in the lecture for the basic physics. So, yesterday we have studied about the basic physical quantities. So, I have explained you yesterday many basic physical quantities and their SI units, CGS units, and what are their definitions. Okay, so we have discussed length, mass, time, then usme bhi humne mechanics ke hai wo speed, matlab velocity, speed, acceleration, momentum, baad mein humne discuss kiya momentum ke baad mein work, power, energy, force, hai na, electricity mein electric current, voltage, electric power, idhar mechanics mein wo bhi power aata hai, wo sab cheezon ka humne स्टडी किया. बाद में हमने डेंसिटी भी सीखा. सो हियर इन फिजिक्स नाउ फिजिकल क्वांटिटीज पार्ट टू. पार्ट टू में क्या है? सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कल के लेक्चर में. सो कन्वर्जन फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है. क्या है कन्वर्जन फैक्टर्स बिटवीन द एसआई यूनिट्स? सो कल हमने जिसको चालू किया था, आज उससे हम कंटिन्यू करेंगे. SI units के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या? ओके, सो वी विल राइट इट एज कन्वर्जन फैक्टर. कन्वर्जन फ्रॉम SI टू CGS. कन्वर्जन फ्रॉम SI टू CGS. आई नो दैट मेनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग इन माइंड, सर ये तो हम करते हैं, हमने किया है, ज़रूरत क्या है? सो वी आर राइट नाउ एक्सपेक्टिंग दैट लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, आई डोंट नो हाउ मच स्टडी यू हैव डन ऑन योर ओन विथ द वीडियोज एंड ऑल. सो इट्स आई थिंक इट्स नेसेसरी टू वंस अगेन रिवाइज दैट. जिन लोगों को आता है उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जिनको आता है उनको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ. ओके, तो कन्वर्जन कल हमने बोला था आपको, एक तो आपको करना है न्यूटन टू डाइन, दूसरा आपको करना है जूल टू अर्क. ओके, ये बेसिक है. ओके, ये दो है, ये तो इंपॉर्टेंट है. बाद में अपने को क्या लगता है? अपने को लगता है मीटर टू सेंटीमीटर. ये तो सिंपल है, आपने फोर्थ फिफ्थ में भी, सॉरी सिक्स सेवन्थ में भी किया होगा इसको. लेकिन इसके बाद में जो आता है तो एक्चुअली वो ट्रायंगल आपको मालूम है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो. सो दैट ट्रायंगल वी आर नोइंग, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन अपन को क्या चाहिए? मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया. बाद में मैंने बोला था आपको डेंसिटी, किलोग्राम मीटर, हाँ, तो किलोग्राम टू ग्राम एंड ग्राम टू किलोग्राम. तो ये जो है मेजरमेंट में, एक्चुअली ये सब मैं सिखा रहा हूँ, इसका टॉपिक है आपको फिजिक्स में मेजरमेंट. तो उसके लिए और बाद में भी पूरा फिजिक्स के लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसीलिए हम उसका पूरा स्टडी करेंगे. तो ये तो बन गया अपना. तो अभी क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन. तो इसका वैसे वर्स आएगा 1 डाइन इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन. ये हमने किया है, कल ही किया है. सेकेंड वन भी हमने किया है, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 और, तो 1 अर्क कितना बन जाएगा? 10^-7 जूल. ये तो हमने कल पढ़ा है. अभी इसमें क्या है? अभी इसमें अगर हम आपको मीटर टू सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको ही आप लिख सकते हो 10^2 और 1 सेंटीमीटर अगर लिखना है तो ऑफकोर्स 1/100 मीटर. तो ये आपको ध्यान में रखने का ज़्यादा सवाल नहीं. लेकिन इसके लिए ये जो भी 100 सेंटीमीटर है, इसको आप अभी लिखने के लिए 10^2 बोलो. ओके, और इसको बोलो 1/100, दैट विल बी 1/10^2
इसको ऊपर ले आ तो वो बन जाएगा 10^-2। ये तो आपको मालूम है, ये बन जाएगा 10^-2। ओके, तो हमने रूल क्या बनाया, 1/(x^n) विल बी (x^-n)। तो जिनको ऐसा रूल जैसा चाहिए मालूम रहने के लिए, उनके लिए ये रूल भी बन सकता है। किसी भी चीज़ को (x^n) से डिवाइड किया तो आप उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, आप उसको (x^-n) से मल्टीप्लाई करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वो एक बात होगी। अभी क्या करेंगे, ये हो गया, अभी मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है। तो पहले ये चीज़ ध्यान में रखो, 1 मीटर 10^2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, हाँ इधर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर करना चाहिए, 10^2 ब्रैकेट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। मतलब ये कितना हो गया, 2^4, 2^4 मतलब ये कितना बन जाएगा, 10^4 बन जाएगा, और 1 सेंटीमीटर ये बन जाएगा 10^-2 ब्रैकेट स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, गलती से हम जस्ट इफ वी आर इन हरी वी आर डायरेक्टली राइटिंग मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर सॉरी फॉर डिस्टर्ब, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर हमने 2 लिखा है इधर भी आप 2 लिखते हो, यही गलती होती है, वो स्क्वायर बन गया ना, हाँ तो 2 है उसमें, ये इधर का मीटर और इधर का मीटर, तो इधर का भी अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो इस साइड का मतलब हम साइड स्क्वायर वगैरह लेते हैं ना, साइड स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेड उसमें मैं बोल रहा हूँ, तो अगर उसमें आपने कर दिया तो इसका पावर आएगा 4, तो 2^4। तो अभी ये जो मैंने लिखा है अभी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या होता है लिखने के लिए, 10^+4 ये बन जाएगा 10^-4। अभी मीटर क्यूब के लिए, मैडम मीटर क्यूब के लिए क्या आएगा, तो मीटर क्यूब के लिए वैसे ही स्क्वायर के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो अभी क्यूब के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 meter = 10^3 to 6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-6 मीटर क्यूब, बराबर। बड़े से छोटा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, छोटे से बड़ा निगेटिव वैल्यू आएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बाद में आते हैं किलोग्राम टू ग्राम, तो 1 kg कितना आता है, 1 kg 1000 ग्राम, बराबर ना, किलो मतलब 1000, तो इसको लिखेंगे 10^3 ग्राम, तो 1 ग्राम कितना आएगा, 10^-3 किलोग्राम। मतलब इसमें बताने की ये बात है, हम सब चीज़ें 10^10 में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, 11th और 12th में, मतलब आगे वाले फिजिक्स में हम ऐसे कर लेते हैं, बराबर। तो अभी क्या होता है, अभी ये जो चीज़ें हैं ये कन्वर्जन 10 का ज़्यादा पावर है, तो आप कितना लिखोगे, 1000000, उसमें लिखने में लिमिट है अपने को, तो उसी के लिए उस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये सब कन्वर्जन्स हम कर सकते हैं। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू दोज हु हैव नॉट नोटेड डाउन दे मे नोट डाउन। ओके, अगर आपको ये नोट डाउन करना है सो यू मे नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बन गया बेटा, अभी ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो ये हो गया बेसिक सब चीज़ें, तो इसमें अभी क्या आता है, आपको हर टाइम कौन सा भी कैलकुलेशन करना है, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, बेसिकली दिस हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सब चीज़ आपको यूजफुल होता है ना बेटा। तो इसमें क्या आता है, कल मैंने बोला था आपको डेंसिटी, तो अभी डेंसिटी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, कल मैंने आपको इधर से ही मैंने स्टॉप किया था, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को लिख देते हैं हम, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो को क्या लिख देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। तो अभी कल मैं आपको बोला था
क्या क्या एरिया और वॉल्यूम, हाँ डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए आपको रिसाइड करना पड़ेगा। स्पीयर का 4/3 π r³, स्पीयर का सरफेस एरिया 4 π r², स्क्वायर का एरिया कितना साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर कितना, ये सब चीज़ें हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया एंड पेरीमीटर, ये आपको हरदम याद होनी चाहिए। कोन वगैरह के भी आना चाहिए, कोन है तो कर्व सरफेस एरिया, वो स्लैंट हाइट होती है उसको, ये सब चीज़ें अपन को यूजफुल होती है फिजिक्स में बार बार। तो जिसका मैथ्स सही है, जिसका ज्योमेट्री सही है, उसको फिजिक्स में आधा उसका हेडेक कम होता है, आधा है वो आपका लॉजिक है और अंडरस्टैंडिंग है, वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा लॉजिक, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, दूसरे का अंडरस्टैंडिंग लेवल, इट मेक्स अ डिफरेंस। ओके, तो अभी डेंसिटी में इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, मास का ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी इधर से मेरे को कन्वर्ट करना है, CGS क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और डीएम क्यूब भी लिखते हैं, डेसीमीटर भी लिखते हैं। ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अभी मैंने ऐसा में इसको ऐसे लिखा है, कभी कभी ग्राम पर डीएम क्यूब भी लिखते हैं। ओके, सो दैट इज डिफरेंट। तो डीएम डेसीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, डेसी 10, सेंटी 100, अरेगेट में मिली 1000। ओके, वो आपको इसमें इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पहले थोड़ा सा करके तो लेते हैं। ओके, सपोज मैं कर दिया 1 kg/m³, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 kg डिवाइडेड बाय 1 m³। तो अभी आपको ध्यान में आएगा, सर ने अभी बताया था कन्वर्ज यूनिट किलोग्राम टू ग्राम करेंगे, तो ये आएगा 1000 g, मतलब 10^3 g। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में आपका 1 m³, मीटर टू सेंटीमीटर बराबर 10^-2 बराबर, और उसमें अभी ये देखो 1 m = 100, cm = 10^2 cm, ये 100 को मैंने 10^2 बना दिया, अभी मीटर क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा ना 100 का, है ना, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब वो कितना बनेगा 6 बनेगा बराबर, तो वो बन जाएगा 6, तो 10^6 cm³। कितना बन गया, अभी 6 को ऊपर लेते हैं, ये बन गया 10^3 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6, और इसको बोलेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3 - 6 - 3, 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो डेंसिटी जो है वो SI से अगर मैंने CGS में कन्वर्ट किया तो 1 kg/m³ मेरा कितना बन गया, 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको उल्टा करना है, अगर मेरे को जाना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो भी करने का जरूरत नहीं है, क्यों, मेरे को मालूम हो गया अगर 1 kg/m³ ये कितना है 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑफ कोर्स मेरा 1 g/cm³ इसके उल्टा आएगा, मतलब 10^3 kg/m³ ये बन जाएगा मेरा। तो ये डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए, तो मेनी स्टूडेंट्स गिवन मी द आंसर्स यस्टरडे, आई गेव सम डे बिफोर यस्टरडे आई गेव सम प्रॉब्लम्स टू यू, है ना, तो वो प्रॉब्लम का बच्चों ने मुझे क्या दिया, जवाब दिया, नहीं डे बिफोर से नहीं, यस्टरडे ही दिया। ओके, तो वो जवाब दिया बच्चों ने, उसके बाद में मैंने उनको आंसर अभी तक दिया नहीं, तो अभी ये जो सब कन्वर्जेंस है उसको वो टैली कर सकते हैं, है ना, दैट्स वाई यू कैन टैली फ्रॉम हियर, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। हो गया बेटा, ठीक है, तो अभी हमने डेंसिटी कन्वर्जन का भी सीखा है, जूल टू अर्ग, अर्ग टू जूल भी सीखा है ना, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीखा है। अभी जिन लोगों ने मैट्रिक्स सिस्टम ढंग से पढ़ा नहीं है उनके लिए अभी हम मैट्रिक्स सिस्टम आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में आज मेरे को वो फिजिकल क्वांटिटी से उनका डायमेंशन क्या होता है एक छोटा सा आपको
दिखाऊंगा ताकि आपको आगे भी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो पहले हम अपना डिस्कशन एक दो पाँच मिनट के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं मैट्रिक्स सिस्टम के लिए। ओके, तो मैट्रिक्स सिस्टम में सपोज मैं बेसिक यूनिट आपको क्या क्या दिया था, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, एल फॉर लेंथ, दूसरा मास एंड टाइम। ओके, तो हमारे मैट्रिक्स सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, लीटर लेते हैं एंड ग्राम लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेते हैं मीटर, लीटर एंड ग्राम। तो मोस्टली अपन को तो यूज करना पड़ता है मीटर। ओके, तो ठीक है, तो क्या होता है जो जो अपना मीटर है ना, मीटर अगर वो यहाँ रखा, अगर मैंने मीटर को यहाँ रखा तो इसके आगे और इसके पीछे, आगे पीछे का मतलब क्या है बताता हूँ। मीटर से जो ज़्यादा है वो इधर लिखेंगे, मीटर से वो कम है वो इधर लिखेंगे, नहीं तो हम उसको पिरामिड भी बना सकते हैं। पिरामिड, तो एक मैं पिरामिड बनाता हूँ। ये पिरामिड क्यों बनाया, जैसे जैसे पिरामिड बेस तक आ रहा है मतलब वो बड़ी क्वांटिटी है, बराबर, पिरामिड का बेस बन गया ना, तो बेस बन गया मतलब वो क्वांटिटी बड़ी है। बेस नहीं बनाया, अभी टॉप बन गया है मतलब वो छोटा क्वांटिटी है, बराबर। सो मिली सेंटी डेसी डेका एक्टो किलो, तो यहाँ पे अगर मैंने मीटर को अगर बीचों बीच लिया, ये हो गया मेरा मीटर, यहाँ पे आप ग्राम भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपका लीटर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैंने मीटर। ओके, मिली सेंटी डेसी, तो मीटर के बाद डेसीमीटर आएगा, बाद में सेंटीमीटर आएगा, ओके, और बाद में मिलीमीटर आएगा। ये तो इधर तक आपको मालूम है, दिस इज यू आर नोइंग, आई नो दैट। मीटर के आगे डेका, बराबर, डेका हेक्टो एंड किलो आएगा, डेका हेक्टो किलो, बराबर। फटाफट देख लेते हैं, डेका मीटर डी ए एम लिखते उसको, डेका हेक्टो एच एम और के एम, सो इसको लिखते हैं, तो यहाँ से नाम भी लिखते हैं, इसको लिखेंगे मिली, इसको लिखेंगे सेंटी, इसको लिखेंगे डेसी, ये तो मीटर हो गया, ये हो गया डेका, ये हेक्टो, ये किलो, यहाँ तक आपको मालूम है। अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं, ओ यार तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, इंक इस पे गिर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं बेटा, अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाते हैं तो यूनिट कम कम होते जाएंगे, वैल्यूज कम आएंगे, एंड इफ यू आर गोइंग डाउन देन द वैल्यूज विल गेट इंक्रीज्ड। सो इफ आई विल गो अप, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ मीटर यहाँ पे बेसिक अपना, तो बेसिक को क्या करता हूँ मैं, स्टार करता हूँ, ये अपना बेसिक मीटर लीटर किलोग्राम, यहाँ से स्टार के, यहाँ से अगर आगे गए हम ऊपर गए, हाँ तो वैल्यू विल डिक्रीज, वैल्यू डिक्रीजेस, और यहां से नीचे गए तो वैल्यू इंक्रीजेस। मतलब यहां से अगर हम ऊपर ऊपर गए तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो, यहां से आगे जाएंगे ना तो वो माइक्रो सब अभी इसके आगे आएगा, और इधर मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, समझ गए। इधर तो आपने अपने 10th तक किया होगा, अभी इसके आगे मैं आपको नया बताने वाला, नया वाला क्या है इसमें, इसमें बहुत है। ओके, बहुत क्या क्या है देखो, हाँ अभी यहाँ पे मैंने मिली, हाँ डेसी सेंटी मिली, ओके मिली के बाद में आता है माइक्रो, क्या आता है माइक्रो म्यू एम, ओके यहाँ क्या आएगा आपका माइक्रो आएगा, ओके इसका अलग मैं आपको चार्ट दे दूंगा करके, ओके इसके बाद में क्या आएगा बेटा, इसके बाद में आएगा माइक्रो, ओके माइक्रो के बाद में आएगा
माइक्रो के बाद में आएगा मिली माइक्रो, नैनो, नैनो कार का तो आपको नाम मालूम है तो वो नैनो, ओके उसका नाम आएगा एन ए एन ओ नैनो, इसको बताते हैं नैनो। नैनो के बाद में माइक्रो नैनो पिको आता है, पी एम, पी एम मतलब उसको बोलते हैं पिको, पिको ओके। और लास्ट में आता है, लास्ट में आता है एफ एम, इसको फेमटो और फर्मी भी बोलते हैं, इसको फेमटो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेमटो, बन गया। इसके नीचे अगर गए तो किलो के आगे, किलो के आगे आएगा अपना मेगा, ओके एम मेगा, देन गीगा, ओके तो यहां पे मैं मेगा मीटर वगैरह हम ज्यादा यूज नहीं करते तो यहां पे नाम ही लिख देता हूं मैं, यहां पे आएगा मेगा, गीगा, टेरा एंड पेटा, ओके तो ये क्या है? तो ये जो ब्लू लाइन से लिखे हैं, ब्लू लाइन से लिखे हैं, यहां से यहां गया तो ये मैं आपको एक मीटर के लिए सब कन्वर्जन फैक्टर दिखाता हूं। यहां क्या होता है, यहां से लिख के मैं ये पूरा करता हूं पहले, ओके पहले ऊपर वाला, हाँ तो यहां पे एक चार्ट बनाता हूं, वन मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, हो गया तो डेसी कर लिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, ये तो आपको मालूम है। अभी माइक्रो के लिए आप बोलोगे 4, ना अभी 3 के इस ब्लू लाइन के बाद ये जो है 1 2 3 4, यहां पे आपको 10 की पावर 3 से बढ़ानी है, माइक्रो मिली से, मिले में कितना है 3 है तो उसमें और 3 चढ़ाओ तो उतना कि कितना होगा 3 + 3 = 6, तो माइक्रो 6, तो आपको ये ध्यान में रखना है माइक्रो 6, नैनो 9, पिको 12 एंड फेमटो और फर्मी, इसको फेमटो भी बोलते हैं और फर्मी भी बोलते हैं 15, ये आप ध्यान में रखो, ये 10 का पावर है, ये जो मैंने लिखा है ये 10 का पावर है। तो वो कैसे आएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर 10 टू द पावर 6 + 3 = 9 नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 एफएम, फर्मी, फर्मी है न्यूक्लियर रेडियस के लिए आता है, बन गया। अभी क्या करने का है, अभी करने का एक चीज, इसका उल्टा, उल्टा तो अपने अपने को आएगा, क्या करने का, इसका जो पावर है उसको माइनस करो, बराबर मतलब ऊपर से नीचे गए, मतलब यहाँ पे आई थिंक दिस यू हैव अंडरस्टूड, इन बिटवीन यू मैन नोट डाउन ऑल्सो, हाँ उसको पॉज करके रिवाइंड करके आप उसको नोट डाउन करो, मैं इसको इसको हटाता हूँ, ओके तो क्या बन गया, अगर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल, हाँ बेटा हाँ दिस इज बिग, इसको लिखता हूं बिग, इसको लिखते बेटा स्मॉल, तो अगर बिग टू स्मॉल जाना है, बिग टू स्मॉल जाना है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय प्लस पावर ऑफ 10, पॉजिटिव पावर ऑफ 10, मतलब बिग टू स्मॉल, मीटर बड़ा है माइक्रो छोटा है तो प्लस 6, 10 टू पावर प्लस 6 ने उसको मल्टीप्लाई, माइनस ने, और उल्टा है अगर स्मॉल टू बिग आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो हमारे यहाँ रोटरी में फाउंडेशन के क्लासेस में रहते तो उन बच्चों को वो ऑलरेडी मालूम होगा, हम सिखाते हैं ये सब चीज़ें, आपके भी क्लास में आपको 8, 9, 10 में ये चीज़ें सिखाई होगी, लेकिन ज़्यादा क्या है उसके ऊपर एम्फोसाइज साइंस में नहीं होता है, मैथ्स में आता है, मेट्रिक सिस्टम में,
तो अभी आपको सीखना है, अभी आपको देखना है, ओके। ये कुछ मैं रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, ये रेगुलर अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ की हुई इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके। इसको देखो, अभी ये होने के बाद अभी इसको उल्टा उल्टा करके आपको लिखना है। तो होमवर्क आपका वो है, 1 decimeter इज इक्वल टू डैश डैश मीटर, 1 centimeter इज इक्वल टू डैश डैश मीटर, ये आपको करना है। बाद में बीच में दो यूनिट में से बीच में कैसे घुसना है वो भी करना है, वो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस दे दूंगा। आप जैसे वो गेम खेलते हैं ना, हाँ, तो ये गेम जस्ट लाइक गेम है, लेकिन ये सॉल्व करने का गेम है, मोबाइल गेम नहीं। तो आप अपना अपना करके, इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, तो आप बड़े इंटरेस्ट से उसको कर सकते हो। अभी मीटर नीचे चला गया, अभी मीटर टू डेका मीटर गया, अभी मीटर से बड़ा है ऑफकोर्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स बेस, बिग टू स्मॉल, हाँ, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। अब ये मीटर डेका मीटर से स्मॉल है ना, किलो से स्मॉल है ना, गीगा से स्मॉल है, बराबर। तो अभी यहाँ पे 1 meter अगर नीचे चला गया तो 10^-1 डेका मीटर, ओके, 1 meter 10^-2 हेक्टोमीटर, 1 meter 10^-3 किलोमीटर, 1 meter 10^, अब किलोमीटर तक आया। इसके बाद में क्या करना है, ब्लू निकल गया, अभी रेड जोन आ गया, ये रेड जोन आ गया, ये ब्लू जोन आ गया, इधर का ब्लू है ना, ठीक है। इसके बाद कैसे आता है, किलो के बाद में मेगा, गीगा, टेरा, हर एक को तीन तीन से ऐड करते जाने का। तो मेगा के लिए कितना आएगा, किलो का -3 हो गया, -6 मेगा, ओके, हाँ, गीगा, ओके। एक्चुअली ये ज़्यादा ये नहीं करते मेगा गीगा वगैरह, एक्चुअली वो किलोमीटर जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। तो स्टेलर डिस्टेंस वो इसमें नहीं यूज़ करते, स्टेलर डिस्टेंस मतलब स्टार के बीच में, प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस जो है वो यूज़ यो मेजर करने के लिए दूसरा यूनिट आता है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। वो आपको अपने फिजिक्स में स्टार्टिंग टॉपिक में आएगा, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी ये बेसिक वाला है। तो गीगा, तो आपको मीटर मतलब बेसिक टू अगर मेगा जाने का है -6, गीगा जाने का -9, टेरा, टेरा को 12 आएगा, टेरा पेटा, इसको बोलते हैं पेटा, इसको बोलते हैं टेरा, क्योंकि यहां पे ये हम यूज नहीं करते, ओके। और मेगा, इसको नाम ही लिखता हूँ क्योंकि एक्चुअली ये बाइट में ज़्यादा करते हैं, बिट बाइट, 1024 है ना, किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट है ना, वो कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये अगले वाले यूनिट, ये तो हम साइंस में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सब यूनिट के बीच में, उनके बीच में छोटी 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 जो अलग अलग यूनिट बनाई है उनके बीच में कन्वर्जन कैसे चलता है। तो बेटा आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, सफिशिएंट इनफ फॉर यू। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ से मैं आपको एक बाद में आपके ग्रुप पे PDF डालूँगा, उसमें मैं आपके लिए एक वर्कशीट बना के दे दूँगा, तो आप भी उस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, एक 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 उसका सॉल्व कर करके बाद में आप मेरे को भेज सकते हो, ओके। सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अभी ये हो गया सब अपने यूनिट्स के बारे में, तो मिली, माइक्रो, हाँ, आपको कैसे याद में रखना है, मीटर, हाँ, मीटर क्या, मतलब बेसिक मीटर, ग्राम, लीटर, कौन सा, पहला क्या आएगा, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, नीचे, नीचे क्या, नीचे पहला क्या, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ऑक्टा भी आता है इसमें, हाँ, 18 ऑक्टा, ऑटो, ऑटो उसको बोलते हैं, हाँ, ऑटो नहीं तो कुछ कुछ तो बोलते हैं, 18, हाँ, ये आता है। अभी ऊपर से लिया तो अरे बाप रे सर कैसे करेंगे, कैसे भी ऊपर से भी आपको कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो रिकॉल करते हैं आना चाहिए। पहले क्या आएगा, पहले ऊपर वाला फर्मी, फर्मी, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, बीच का अपना मीटर जो कुछ है, बाद में
डेका हेक्टो किलो किलो मेगा गीगा टेरा पेट बन गया पूरा। अभी आपको क्या करना है, आपको घर में मेरा वर्कशीट का भी जरूरत नहीं, आप अपने से कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी यूनिट पकड़ो और उसको कन्वर्ट करो। ओके, तो आई होप यू हैव रिटन दिस, सो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। ओके, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सपोज मेरे को जाना है 12 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। अरे बाप रे, 12 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर, तो माइक्रो टू सेंटी आया। मैं कैसे करता हूँ, यहां से एक जंप मारा तो 10 का एक पावर मतलब 10, 100, 1000 मतलब 3 पावर हो गया और ये 3 अच्छे चला गया। अभी माइक्रो छोटा है या सेंटी छोटा है, माइक्रो छोटा है बराबर, तो माइक्रो छोटा है उसको सेंटी में लिखना है, तो 100 सेंटीमीटर हो गया तो अपना बनता है 1 मीटर। तो क्या करते हैं, 100 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10^-2। फॉर एग्जाम्पल 100 को 100 से डिवाइड करते हैं अपनी सरल भाषा में, है ना। तो उसको यहाँ पे अगर आपको करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट हियर, तो पहले क्या करना है आपको, माइक्रो में माइक्रो को मीटर में कन्वर्ट करो और बाद में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ईजी है आपको। तो माइक्रो मतलब 10^-6, तो इसको कैसे करेंगे, 10^-6 मीटर। अभी मीटर टू सेंटीमीटर, तो 10^-6 इंटू मीटर टू सेंटीमीटर, उल्टा चला गया मैं, 10^2 अभी हो गया मीटर, ये -6+2 ये बन गया 10^-4 सेंटीमीटर बराबर हो गया। स्मॉल टू बिग मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पावर आ गया। ऐसे किसी भी यूनिट का कर सकते हो, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। इसका एक्सरसाइज मैं आपको आगे दे दूंगा। ओके, नाउ विल गो फर्दर। इसके बाद में बेटा क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे डायमेंशन। अभी डीप में पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन डायमेंशंस क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। डायमेंशंस इंट्रो इंट्रोडक्शन, तो हमने आपको बताया था बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज 3 बताया था, एक मास तो उसको डिनोट करते हैं एम से, दूसरा दिया था आपको लेंथ उसको डिनोट करते हैं एल से, तीसरा दिया था टाइम उसको डिनोट करते हैं टी से। तो अगर इन तीनों को मिला के मैंने अगर एम एल टी ऐसा इकट्ठा किया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशन। ओके, ये बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को क्या आता है, उसको पावर आता है, क्या आता है, पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। तो डायमेंशन का मतलब और भी क्या आएगा आपका, डायमेंशन मतलब क्या करेंगे, पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। तो आपको एक एक करके दिखाता हूं, पहला लेते हैं हम लेंथ। लेंथ तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या आएगा, और डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, डायमेंशन को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एम जीरो, मास है क्या, लेंथ में मास का फॉर्मूला है क्या, नहीं है, एम जीरो। एल, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर है क्या, नहीं है, मीटर है, मतलब 1, एल 1। टाइम है क्या, लेंथ में टाइम है क्या, नहीं है, टी 0। और इसको ही हम लिख सकते हैं एल 1, जस्ट जो 0 है उसको लिखने का जरूरत है, जो पावर 0 है उसको नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ओके, मैं ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं करने वाला क्योंकि आपको फिर से मेजरमेंट टॉपिक में ये पढ़ना ही है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए इसलिए मैं बता देता हूं। मास, मास के लिए क्या करोगे, मास किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर आता है क्या, नहीं, 1/kg आता है क्या, नहीं, किलोग्राम टू द पावर माइनस 3 आता है क्या, नहीं, किलोग्राम टू द पावर 1, किलोग्राम मतलब किलोग्राम टू द पावर 1, मतलब ये एम 1। एल है क्या, नहीं है, टी है क्या, नहीं है, मतलब उसका कितना आएगा,
m1। टाइम, टाइम का क्या आएगा, सेकंड में आता है, तो m0 आएगा l0 t1, और जस्ट आप लिख सकते हो उसको t1। ये हो गया इसका डायमेंशन, बन गया, ये बेसिक बन गया। अभी लिखते हैं स्पीड। स्पीड का डायमेंशन क्या आएगा, देखो बेटा स्पीड कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर मीटर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर नॉट मीटर पर सेकंड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 s-1, ऐसे भी लिखते हैं। तो m1 मतलब आपका ये नहीं, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो l का पावर कितना आएगा, हाँ तो m पहले आएगा उसका जीरो, उसमें मास का कुछ kg वगैरह है क्या, किलोग्राम नहीं है, ये मीटर के लिए, तो मीटर खाली मीटर ही है, तो l1 आएगा, t आएगा माइनस, तो आपने समझ चुके होंगे, तो आप उसको l1t-1 भी लिख सकते हो। ये अभी 1 है तो भी खाली l लिखा आपने तो भी चलते हैं, क्योंकि किसी भी की पावर 1 है तो उसको वैसे ही लिखते हैं, 10 मतलब 10^1, बराबर, ओके। स्पीड हो गया, अभी एक्सेलरेशन, अभी क्या करना है आपको, आज होमवर्क करना है, सबके डायमेंशन निकालने हैं, एक्सेलरेशन में कर, मैं करके दिखाता हूँ आपको, बाद में सबके निकालना है, अभी ठीक है, देखो अभी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन उसका यूनिट देखो, यूनिट पता करने के बाद आपको आएगा, एक्सेलरेशन आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m1 मीटर, मतलब मीटर का पावर 1, सेकंड का पावर -2, अभी मीटर मतलब ये बन गया लेंथ, और सेकंड मतलब बन गया ये टाइम बन गया, तो यहाँ पे m तो यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ये वाला m मतलब मास, इसमें अभी तक मास नहीं है, l1 t-2, तो इसी को हम l t-2 और l1 t-2 बोल सकते हैं। तो अभी आपका काम क्या है, आपका काम है होमवर्क आपको आज के आज ही करना है, होमवर्क कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज वी डिस्कस्ड, कब डिस्कस किया था, यस्टरडे आएगा, सो ये होमवर्क रहेगा, ओके होमवर्क आपको करना होगा, होमवर्क आपने किया तो आपको आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये आपका आज का रहेगा होमवर्क। सो आई सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन, ठीक है बन गया, अबे आगे चलते हैं। अबे आगे के लिए क्या, और एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो है आपके सम ट्रिक्स, अगर वो ट्रिक आपको नहीं आता है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है और लॉजिक लगाने में थोड़ा सा, कभी कभी हम ऐसा उल्टा लॉजिक लगाते हैं और बाद में उसको कंप्लीट, ओके आता है लेकिन थोड़ा सा देर में आते हैं आंसर, तो लॉजिक अपना ठीक से चलाने के लिए अपने जो अभी तक 10th तक जो बेसिक फंडा है उनको हम रिवाइज करेंगे फिर से। एक ही फंडा है जो आपके मैथ्स में आता है एक्चुअली, लेकिन उसका यूज मैथ्स से भी ज़्यादा हम फिजिक्स में करते हैं, क्या आएगा वो आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन फिजिक्स। तो मैं अभी क्या करता हूँ, तो बेटा अभी हम थोड़ा सा अलग टाइप में इसको देखते हैं, हाँ देखो फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या आता है, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी देन वी कैन राइट ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू बी, ये आपको सबको मालूम है, क्लास 5th 6th में भी आपको ये
किया हो, तो इसी को हम यूज करेंगे। दूसरा आता है, मैं तो थोड़ा फटाफट लेता हूँ क्योंकि टाइम का भी मेरे को प्रॉब्लम है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, आई कैन राइट ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपको मालूम है। तो बेटा इसका अभी क्या यूज होगा, तो इसका हमें लॉजिकली अपन को ध्यान में रखना है, अगर कोई भी चीज दूसरी चीज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है, मतलब है अगर ए बी पे ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर बी बढ़ा तो मेरा आंसर ए, ए भी बढ़ जाएगा। तो अगर बी बढ़ गया तो ए भी बढ़ जाएगा, एंड इफ अगर बी घट गया तो ए भी घट जाएगा। ओके और यहां पे क्या आएगा, इफ अगर मेरा बी बढ़ गया तो ए ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, और बी अगर घट गया तो ए विल इंक्रीज। बराबर, कितने फॉर्मूले हैं देखा तुम, देयर आर मेनी फॉर्मूले। ओके तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आप यूज करते हो, है ना। सपोज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो है, डिस्टेंस एंड टाइम, और आंसर कितना आने वाला है, स्पीड आने वाला है। बराबर, तो अगर मैंने टाइम को कांस्टेंट रखा, टाइम को कांस्टेंट रखा 2 सेकंड, टाइम इज 2 सेकंड। ओके टाइम इज 2 सेकंड और ये डिस्टेंस है मेरा 1 2 3 4 4 करते हैं, 1 2 3 4 5। सपोज हाँ मैंने क्या किया, टाइम रखा मैंने फिक्स, टाइम फिक्स रखा है। पहले क्या किया, पहले में क्या होगा, मेरा पार्टिकल 1 मीटर ही चला गया, हाँ तो उसका स्पीड कितना बन गया, v1 लिखता हूँ, हाँ 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड बन गया। ओके सेकंड टाइम में मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, मेरे को दिखा वो इतना चला गया, v2 कितना गया मेरा 3 माइनस 1, ये बन गया 3 मीटर अपॉन 1 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और उसके भी आगे चला गया, उसके भी आगे चला गया मैं, और डायरेक्टली मेरे को दिखा कि 4 मीटर चला गया, तो मेरा v3 क्या बन गया 4 मीटर अपॉन 1 सेकंड, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पे तो 1 सेकंड टाइम को क्या किया मैंने, कांस्टेंट किया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अभी स्पीड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। तो अभी स्पीड का प्रोपोर्शन क्या हो गया, अगर मैंने टाइम कांस्टेंट रखा टाइम तो कांस्टेंट रखा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आई हैव टू इंक्रीज माई स्पीड, मतलब ऑटोमेटिकली द स्पीड विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यही आपको डे टू डे लाइफ में बताता हूँ, अभी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेते, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम से खेड़ टू सम अनदर स्टेशन से चिपलोड, वहाँ पे वैसे ऐसे जाते हैं, लेकिन ठीक एक है वो कार से जा रहा है, एक ट्रक से जा रहा है और एक बाइक से जा रहा है, तो तीनों को टाइम अलग लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन अपने को अगर सेम टाइम में उनको लेके जाने तो किसके लिए इम्पॉसिबल होगा कंपीट करना, ट्रक के लिए, क्योंकि अभी देखो टाइम सेम रखना है, अभी मैंने डिस्टेंस भी सेम रखा है तो तीनों का स्पीड सेम आएगा। बराबर, अगर डिस्टेंस मैंने बढ़ा लिया, पहले चिपलून तक गए तो एक टाइम लगा, 1 घंटा सपोज चिपलून को जाने के लिए लगता है, अगर मैं अभी बोला आई डोंट वॉन्ट टू गो टू चिपलून फ्रॉम खेड़, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम खेड़ टू से रत्नागिरी इन 1 आवर,
जो मैंने पहले चिपलूम तक 1 आवर दिया था। अभी बोलो आप, खेड से चिपलूम जाने के लिए अगर मेरे को 1 आवर लग रहा है तो मेरा स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड जो जो कुछ है, अभी ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन वही टाइम में अगर मेरे को रत्नागिरी तक पहुँचना है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अलीगेटिंग में मेरे को तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का दिखाया, सिंपल सिंपल टाइप के भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसको भी भूल जाओ, ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। इसके लिए एक रूल आता है, ओके। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इससे आगे हम जाएंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी टू द पावर n, a इज इक्वल टू बी टू द पावर n, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 टू द पावर n। मतलब अगर b बढ़ गया a भी बढ़ जाएगा। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला दूसरा है, इफ a इज इक्वल टू, ओके, और मैं इक्वल टू नहीं रखता, प्रोपोर्शनल टू बोलता हूँ, वो अच्छा चलेगा। ए इज प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर माइनस एन, और ऐसा लिखा ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b^n। हाँ, थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, आप समझ सकते हो। मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर एन, ये ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर एन। तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उल्टा करने का, a1/a2 इज इक्वल टू b2/b1 टू द पावर n, n को वैसे ही रखने का, ओके। तो इसको लिखने के लिए मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ जो आपको समझ में आए, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b2/n, तो उसको उल्टा करेगा। ये अपन को आता है, एक चीज दिया है तो दूसरी चीज कितनी आएगी, हाँ कितना आएगी, उसका वैल्यू कितना आएगा, ये सब अगर आपको देखना है तो इट्स वेरी मच नेसेसरी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड देन वी विल गो फॉर सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज और उसके बेसिक्स क्या है। सो ऑफकोर्स आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड डोंट forget to do the homework, because homework plays very important role, and for any doubt or queries you are always free to ask on my personal number. You are having my personal number from which I am sending the videos. So I hope once again you have enjoyed the lecture. Do a practice, do your homework. Tomorrow again we will meet with the continuation of this. Till that, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Happy learning. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.